गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में वर्तिका बुक से व्याकरण। व्याकरण के हम लिंग, विलोम शब्द और पर्यायवाची। जैसे अभी तक आपने पढ़े वर्ण किसे कहते हैं, फिर वर्णों से हमने शब्द बनाए, शब्दों से हमने छोटे छोटे वाक्य बनाए। हिंदी हम ऐसे ही सीखते हैं, लेकिन जो शब्द होते हैं ना, वो भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। शब्द भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसमें से मैं आज शब्दों के तीन प्रकार समझाऊंगी, विलोम शब्द, लिंग बदलो और पर्यायवाची। अच्छा, विलोम शब्द किसे कहते हैं आपको पता है? चलिए एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। जैसे ए के ऊपर, पेड़ के ऊपर बंदर रहता है। पेड़ के ऊपर कौन रहता है? बंदर, ठीक है। पेड़ के नीचे एक खरगोश रहता है। अच्छा, इसमें पेड़ के ऊपर कौन रहता है? बंदर। पेड़ के नीचे कौन रहता है? खरगोश। ऊपर और नीचे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है ना। ऊपर यानी ये, नीचे यानी अर्थ, ठीक है। तो ऊपर और नीचे ये क्या है? एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे के, एक शब्द के उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं, अपोजिट वर्ड्स। ओके, समझ आया? जैसे ऊपर का अपोजिट वर्ड क्या हुआ, ऊपर का विलोम शब्द क्या हुआ? नीचे। ऐसे ही हम कुछ और विलोम शब्द पढ़े, आगे। आगे का विलोम शब्द क्या होगा? आगे का अपोजिट वर्ड क्या होगा? पीछे। नेक्स्ट वर्ड इज अंदर। अंदर का विलोम शब्द बताओ। अंदर का विपरीत शब्द, अंदर का उल्टा अर्थ क्या है? बाहर। आया समझ में? अच्छा, आगे, आपके आगे कोई खड़ा है और आपके पीछे कोई खड़ा है। आगे यानी आगे का अपोजिट वर्ड क्या हुआ? पीछे। एक शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। जैसे गर्म चाय, चाय पीते हो कैसी होती है? गर्म। आइसक्रीम खाते हो कैसी होती है? ठंडी। तो गर्म का विलोम शब्द क्या हुआ? ठंडा। गर्म का विलोम शब्द क्या हुआ? ठंडा। हंसना, आप हंसते हो, हंसते टाइम आप खुश रहते हो, हंसना। और रोते हो तो सैड हो जाते हो ना, रोना। तो हंसना का विलोम शब्द उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द है रोना। एक बार हम रिपीट करेंगे, आगे का उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द हुआ पीछे, अंदर बाहर, आगे पीछे। आगे पीछे मैंने एक और बार रिपीट कर दिया है ना, गर्म ठंडा, हंसना और रोना, ऊपर और नीचे, ठीक है। ऐसे ही सारे शब्दों के जो उल्टा अर्थ बताते हैं उनको हम विलोम शब्द कहते हैं। अच्छा, अब बारी आती है लिंग बदलों की। हमें पता है लड़का और लड़की दो लोग होते हैं ना, जिन नामों से हमें ये पता चलता है कि एक लड़के का नाम है और जिन नामों से हमें ये पता चलता है कि एक लड़की का नाम है, वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हर प्राणी, हर जानवर, हर इंसान के नाम होते हैं, होते हैं ना। जिन नामों से हमको पता चलता है कि एक मेल का नाम है यानी एक आदमी का नाम है, और उनको हम बोलते हैं पुल्लिंग शब्द। और जिन नामों से हमें पता चलता है कि एक लड़की का नाम है, एक लेडी का नाम है, उसको हम कहते हैं स्त्रीलिंग शब्द, मेल और फीमेल। इज इट क्लियर? तो हमें, जैसे आपका नाम है, आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ, आप
नाना। नाना किसका नाम है? एक जेंट्स का, एक मैन का नाम है नाना। और अगर हमने बोला नानी, नानी यानी वुमन, आपको पता चल गया ये एक आदमी का नाम है, ये एक औरत का नाम है। ऐसे ही सारे नाम दो भागों में बटे हुए हैं, इनको हम बोलते हैं लिंग बदलो। जैसे मामी, सॉरी मामा, मामा का मामी, मामा यानी मेल, मामी यानी फीमेल। लड़का, लड़का यानी अ बॉय, लड़का क्या है बॉय है ना। फिर यहाँ आएगा लड़की, लड़की यानी गर्ल, समझ आया। चूहा, चूहा चूहिया, समझ आया चूहा चूहिया। शेर, शेरनी। माता पिता, माता पिता यानी मम्मी पापा। एक बार रिपीट करें, माता पिता, नाना नानी, मामा मामी, लड़का लड़की, चूहा चूहिया, शेर शेरनी। ये सारे नाम ये बताते हैं कि किसी लड़के के नाम है, किसी मेल के नाम है। ये सारे नाम क्या बताते हैं? किसी फीमेल के नाम है, किसी लड़की के नाम है। इज इट क्लियर? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? अच्छा, आपके स्कूल का एक नाम है, चलो फॉर एग्जाम्पल रानी अवस्थी। एक लड़की का नाम था रानी अवस्थी, एक लड़की का क्या नाम था? रानी अवस्थी। और उसको घर में रिंकू भी कहते थे। एक लड़की का नाम था रानी अवस्थी, उसके स्कूल का नाम क्या था? रानी अवस्थी। और उसको घर में क्या बुलाते थे? रिंकू। सबका निकनेम होता है ना, लेकिन वो लड़की तो एक ही थी ना। तो जब एक ही शब्द के, जब एक शब्द का कोई दो अर्थ ना निकले, एक ही अर्थ निकले, उसे हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे शब्द बहुत सारे होंगे लेकिन उनका अर्थ एक ही निकलेगा। एक वस्तु के कई नाम हो सकते हैं, एक चीज के कई नाम हो सकते हैं, और एक इंसान के कई नाम हो सकते हैं। इज इट क्लियर? एक एग्जाम्पल दूं, जैसे फूल। अच्छा, फूल को हम और क्या कहते हैं? फूल को हम कहते हैं पुष्प, पुष्प और कुसुम। फूल को हम क्या कहते हैं? पुष्प और कुसुम, समझ आया। ऐसे आम, देखो बाहर बरसात हो रही है, बरसात, बरसात को और क्या बोलेंगे? वर्षा और बारिश। अच्छा, अगर हम इसको बरसात बोले या बारिश बोले, बाहर वर्षा हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, या बाहर बरसात हो रही है, शब्द तो एक ही है, शब्द एक है ना। और इसके इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं, मतलब एक शब्द को हम ये और बोल सकते हैं। शब्द एक है, इनके रूप बदल जाएंगे लेकिन अर्थ एक ही रहेगा, ठीक है ना। शब्द बदल गए फूल, इसका फॉर्म बदल गया पुष्प हो गया, ये कुसुम भी हो गया। तो इन सबका, पुष्प का भी अर्थ फूल है और कुसुम का भी अर्थ फूल है। एक शब्द को कई नामों से पुकारते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची का अर्थ होता है इसका एक और नाम, इसका एक और। जैसे आपका घर का नाम अलग होता है, स्कूल का नाम अलग होता है, लेकिन आप हो तो एक ही इंसान ना, इसी तरीके से। अब हम देखते हैं, जैसे माँ, माँ को हम जननी भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं, और आप लोग मम्मी भी बोलते हो ना, माँ तो एक ही है ना। माँ के वर्ड्स को जो हम यूज करते हैं उनके रूप अलग अलग हैं। जैसे माँ, जननी और माता, अर्थ एक ही होगा। आसमान, आसमान को हम और क्या कहते हैं? आसमान को हम कहते हैं आकाश और गगन।
आसमान को और क्या कहते हैं? आकाश और गगन। लेकिन अर्थ एक ही निकलता है। गगन भी बोलेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि आसमान के बारे में बात हो रही है, आकाश भी बोलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि आसमान के बारे में बात हो रही है। तो एक ही शब्द होता है, उसके अनेक रूप होते हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं बदलता। नेक्स्ट वर्ड इज चंद्रमा। चंद्रमा को आप लोग और क्या बोलते हो? चंद्रमा को हम बोलते हैं चांद। चंदा भी बोलते हैं ना। यहां पर हम चंद्रमा का एक और नाम यूज करेंगे, शशि। चंद्रमा का नाम शशि भी है। जैसे आपके दो नाम होते हैं ना, वैसे सारी चीजों के दो दो नाम होते हैं। ऐसे ही सूरज, सूरज को हम और क्या कहते हैं? सूर्य। इसका सूरज का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है? रवि। ठीक है, जैसे आपके दो नाम वैसे सूरज के भी दो नाम, सूर्य और रवि, यही होते हैं पर्यायवाची शब्द। एक बार रिपीट करें, फूल पुष्प और कुसुम। फूल के दो नाम और हैं, उसको पुष्प भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज बरसात। बरसात को हम वर्षा भी कहते हैं और बारिश भी कहते हैं। नेक्स्ट इज माँ। माँ को हम जननी भी कहते हैं और माता भी कहते हैं। आसमान, आकाश और गगन। चंद्रमा, चांद और शशि। सूरज, सूर्य और रवि। चलिए अब आपकी वर्तिका बुक में भी कुछ लिंग बदलो, विलोम शब्द और पर्यायवाची दिए हैं, उनको आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।